नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन डांगी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप कोई भी ओल्ड कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब आप सेकेंड हैंड कंप्यूटर ले रहे हैं, कोई पुराना कंप्यूटर ले रहे हैं, तो यानी कि आपका बजट थोड़ा कम है, इसलिए आप पुराना कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी पुराना कंप्यूटर खरीदते हैं तो किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को पूछते हैं कि कंप्यूटर मैं ये ले रहा हूँ, ये सही है या फिर नहीं है। अक्सर क्या करते हैं, जब भी कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं सेकेंड हैंड, तो कंप्यूटर की बोर्ड ही देखते हैं पहले कि एकदम नया जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर नया दिख रहा है तो उसका ये नहीं है कि वो कंप्यूटर बिल्कुल सही है, हमें अंदर के सिस्टम को देखना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव कंप्यूटर को बेच रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर वन प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर अगर कोई भी ड्यूअल कोर है या फिर क्वाड कोर प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर वाले कंप्यूटर आपको नहीं खरीदने हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। आपको लेने हैं i3, i5 या फिर i7। अगर इन प्रोसेसर में से कोई भी अगर कंप्यूटर बेच रहा है तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोसेसर को चेक कर पाएंगे, वो भी आप कंप्यूटर को यूज़ करके, तो वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखना। नंबर दो, अब आपको रैम देखनी पड़ेगी। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर, जो आप सेकेंड हैंड कंप्यूटर ले रहे हैं, उसके अंदर केवल 2GB रैम है, तो उसको आप ना खरीदें। अगर खरीदना चाह भी रहे हैं तो भी आपको रैम को इनक्रीज़ करवाना पड़ेगा। कम से कम 4GB रैम होना चाहिए, मैक्सिमम आप बढ़ाकर उसको 8GB तक कर सकते हैं। आगे आप अपनी इच्छा है, जैसा आपका बजट है वैसे आप रैम को बढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पुराना कंप्यूटर है तो उसके अंदर मदरबोर्ड भी पुराना होगा, तो ज़्यादा 8GB से ज़्यादा रैम सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 2GB रैम वाला कंप्यूटर नहीं लेना है, अगर हो सके तो उसके अंदर 4GB रैम आप लगवा लीजिएगा। उसके बाद में आता है नंबर तीन, आपको हार्ड डिस्क भी सही सेलेक्ट करनी है। अब आप देखेंगे कि पुराने कंप्यूटर है, कोई 5 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना कंप्यूटर है, तो किसी के कंप्यूटर के अंदर तो 80GB की हार्ड डिस्क होगी, किसके कंप्यूटर में 120GB की, किसमें 500GB की, किसमें 1TB की, 2TB बहुत कम देखने को मिलेगा। पुराने कंप्यूटर में 250GB 500GB की आपको क्या मिलती है, हार्ड डिस्क मिलती है। तो उसको भी कैसे देखना है मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। खास तौर से आपको ये तीन जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप CPU की कंडीशन देख लीजिए, सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर DVD राइडर लगा हुआ है तो वो सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। खास तौर से USB पोर्ट्स को ज़रूर देखें, जिसके अंदर आप USB केबल लगाएंगे, या फिर आप जो CPU के पीछे लगे हुए होते हैं ना, केबल के पोर्ट्स होते हैं, माउस के पोर्ट्स होते हैं, उनको ज़रूर आप देखें। अगर वो सही चल रहे हैं तब जाके आपको वो कंप्यूटर खरीदना है। आइए एक बार मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ और बताता हूँ कि प्रोसेसर रैम का आप कैसे पता कर पाएंगे और कौन सा आपको सही तरीके से लेना है। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। अगर आप किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम पता करना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम वगैरह पता करनी है, तो सबसे पहले आपको जाना है दिस PC या फिर विंडोज 7-8 है तो माय कंप्यूटर के ऊपर। ऊपर आपको जाना है कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। उसके बाद में आपको अपना जो कंप्यूटर है, जो ओल्ड कंप्यूटर है, कोई भी अगर बेच रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन सा प्रोसेसर है। प्रोसेसर के आगे यहाँ पे लिखा होगा i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर या फिर i7, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर क्वाड कोर, ड्यूअल कोर दिखता है तो आपको नहीं लेना है। इंस्टॉल रैम के अंदर आपको 8GB शो करेगा, जैसे अगर नहीं करता है, 2GB शो कर रहा है तो 2GB वाला आपको नहीं लेना है, 4GB या फिर 8GB वाला लेना है, 16GB है तो और अच्छा है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे पता चलता है, तो नीचे यहाँ पर विंडोज़ का स्पेसिफिकेशन दे रखा है, जैसे कि विंडोज़ 10 यहाँ पर है, अगर विंडोज़ 7 है तो भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा सिस्टम टाइप कौन सा है, तो 64-bit का है। अब हम पता करते हैं कि डिस्क कितना है, यानी कि हार्ड डिस्क कितना लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा। तो हार्ड डिस्क का पता करने के लिए आप दिस PC के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर माय कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको आप बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर देखो जितने भी हार्ड डिस्क लगी होगी वो शो करेगी, जैसे डिस्क 0 और डिस्क 1, यहाँ पर दो हार्ड डिस्क लगी हुई है,
एक है SSD, ये देखो यहाँ पर 111 GB लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है SSD 120 GB की है, और डिस्क वन यहाँ पर 465 GB लिखा हुआ है, यानी कि हार्ड डिस्क जो है वो 500 GB की है। तो इस तरीके से जितनी भी हार्ड डिस्क लगी होगी वो यहाँ पर आपको डिस्क 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके दिख जाएगी, और यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर वॉल्यूम्स बना रखी है वो सारी आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से आप पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप सेकेंड हैंड कंप्यूटर लेते हैं, कोई पुराना कंप्यूटर लेते हैं, तो आपको कंप्यूटर कौन सा खरीदना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अब हम बजट की बात कर लेते हैं। बजट की हम बात करें तो अगर आपको कोई भी i3 कंप्यूटर मिल रहा है, पुराना कंप्यूटर है, केवल आपको CPU दे रहा है, अगर i3 प्रोसेसर है, 4GB रैम है और 1TB हार्ड डिस्क है, अगर 1TB नहीं है फिर भी 500GB है, तो आपको 10,000 के अंदर अंदर ये सेकेंड हैंड PC मिल जाएगा। केवल मैं CPU की बात कर रहा हूँ, मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस ये सारे आप अलग उसमें जोड़ लेना, मैं केवल CPU की बात कर रहा हूँ। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर i5 प्रोसेसर है और 8GB रैम है और आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं, कोई बेच रहा है, तो केवल CPU के आपको देने हैं 12,000 से 13,000 रुपये। इससे ज़्यादा अगर वो आपसे मांग रहा है तो आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। अगर कोई आपको i7 प्रोसेसर दे रहा है, उसके अंदर 8GB रैम है या फिर 16GB रैम है, तो कम से कम आपको 15,000 से लेकर 20,000 रुपये ज़रूर देने चाहिए। अगर आपको कम में मिल रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर i7 और 8GB रैम अगर किसी CPU के अंदर है और वो आपको 25,000 से 30,000 रुपये केवल सेकेंड हैंड CPU के मांग रहा है, तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे अच्छा तो आप नया बनवा लेंगे 30,000 रुपये के अंदर, तो उसमें आपको वारंटी भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनका ध्यान रखें। मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कंप्यूटर के अंदर फीचर्स होने चाहिए अगर आप ओल्ड कंप्यूटर खरीद रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और SGS एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। नमस्कार।